जिला परिषद के आवासीय कार्यालय में निशा के पाथर कुआं पंचायत की मुखिया तथा जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद गोराई की पत्नी अनीता गोराई ने तरुण हिंदू के संचालक सा एडमिन के द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट कर सोशल मीडिया पर वायरल करना एवं छवि धूमिल करने को लेकर कालू बथान ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अनीता गोराई ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मधुरेंद्र गोस्वामी तथा जयप्रकाश ने सोशल मीडिया पर मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी की है, इसको लेकर FIR भी किया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यह घटना 2 तारीख की है, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन अभी तक उन दोषियों को गिरफ्तार नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं 2-2 बार मुखिया रह चुकी हूं, मेरे साथ ये घटना घटी है, मैंने FIR भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर ये आम महिला के साथ होता है तो उसके साथ क्या बर्ताव होता होगा। वहीं उन्होंने BJP पार्टी पर कहा कि हमारे पार्टी के लोग ही महिला नेत्री पर आरोप लगाते हैं। वहीं उन्होंने रोते हुए कहा कि केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देती है, लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकर क्या करेंगे, या जो भी महिला घर से निकलती है वो देह व्यापारी हो जाती है, जो सोशल वर्कर करती है, जो समाज सेवा करना चाहती है, जो घर से निकलना चाहती है, सारी महिलाएं देह व्यापार करती है, इसके खिलाफ क्यों पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। मैं तो 2-2 बार मुखिया हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ, मेरे साथ इस तरह का टिप्पणी किया गया है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, अन्य महिलाओं के साथ में क्या हो सकता है आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पाथरकुआ पंचायत की मुखिया अनीता गोराई ने धनबाद SSP किशोर कौशल से मिलकर न्याय की गुहार लगाई एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। आप बोली कि 2 तारीख को हमने कंप्लेन किया है, जो आप उनको बदनाम करने की जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, क्या कार्रवाई हुई इस पर? देखिए, इस पर हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं, और चूंकि जो पोस्ट किया गया था जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब तक वो तकनीकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी,
तब तक सटीक रूप से किस व्यक्ति के द्वारा ये पोस्ट किया गया है, बिकॉज अगर आप उस पोस्ट को जिन्होंने भी देखा होगा तो वो पोस्ट बेसिकली किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया है, एक पेज बनाया हुआ है एक स्पेसिफिक संस्था के नाम से जिसके द्वारा ये पोस्ट किया गया। तो बताने का दो नाम लिया कौन, गोस्वामी एक है एक और ऐसा कुछ, वो पोस्ट जो है एक पेज के द्वारा किया गया है, वो पेज कौन संचालित करता है ये वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसी के द्वारा ये बताया जा सकता है, और उससे जानकारी प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि आप सबको यह विदित है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सर्वर हिंदुस्तान में स्थापित नहीं है, उसके लिए हम लोगों को रिक्वेशन दिया हुआ है, हम लोगों ने उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए, हम लोगों ने पुनः उसके लिए रिमाइंडर भेजा है। तकनीकी आसूचना के अतिरिक्त हम लोग मानवीय आसूचना पर भी काम कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द उसको